हाई एवरी वन दिस इज़र रॉनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि स्पेशली हम यहाँ पे शुगर केन कटर्स की बात करेंगे वुमन की बात करेंगे कि अपनी वूम्स यानी जो गर्भशय है वो क्यों रिमूव कर रही हैं इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे एक सोशल टॉपिक है ये आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज फील फील्ड क्या तो वी कैन मेक ह्यूज डिफरेंस फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि स्टडी आई क्यू रिसेंटली कोशिश कर रहा है आपके सामने यू पी एस सी की सारी बुक्स पब्लिश करके आ, आप लोग ताकि उसको पढ़ सकें आ, अब जो लेटेस्ट बुक हमने पब्लिश की है रिलीज़ की है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन जोग्राफ़ी ये यू पी एस सी सी एस सी और स्टेट पी सी एस दोनों के लिए है तो पहला एडिशन है इस बुक का इसमें ब्यूटीफुल मैप्स आपको मिलेंगे और बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में ये बुक लिखी गई है ताकि हर कोई इसको बहुत इजीली समझ सके और जो अपने सपने हैं उनको पूरा कर सके तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं अभी आपकी कॉपीज़ आपके घर पे पहुँच जाएंगी फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से सो डू चेक दिस आउट और ऑर्डर कीजिए आई एम श्योर यू विल लव दिस बुक और कोर्सेज के लिए बुक पे ये कोड आपका अप्लाई नहीं होगा कोर्सेज जो हैं हमारे स्टडी आईक्यू के चाहे यूपीएससी हो गया स्टेट पीएससी हो गया जुडिशरी हो गया अगर आप चेकआउट करते हुए डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं वीरो थ्री थ्री इस पर थर्टी थ्री परसेंट ऑफ आपको हमारे कोर्सेज uh, पे मिलेगा ओके नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक मैंने आपको बताया कि शुगर केन बेल्ट में महाराष्ट्र की यहाँ पे बात हो रही है बहुत सारी महिलाएं अपना यूट्रस जो है वो रिमूव करवा रही हैं तो इस पर बहुत अलग अलग जगह आर्टिकल्स छपे सोशल वर्कर्स आ, सोशल एक्टिविस्ट काम करना शुरू किए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी बेल्ट में इतनी सारी महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है कि उनको हिस्ट्रक्टमी कराने की ज़रूरत पड़ रही है सो हिस्ट्रक्टमी जो टर्म है ये यूट्रस रिमूवल के लिए यूज़ की जाती है तो यही चीज़ देखा गया कि आ, ये देखिए दिस इज़ द वर्ड हिस्ट्रिक्टमी ये मेडिकल ऑपरेशन किया जाता है बकायदा एक मेजर सर्जरी रहती है महंगी भी होती है तो एक रीज़न यहाँ पे पहले लाइन में ही आपको दिया जा रहा है कि क्यों महिलाएं हिस्ट्रक्टमी कमा करवा रही हैं ताकि वो कोई भी दिन अपना काम मिस ना करें यहाँ पे एक पॉवर्टी की भी आपको एग्ज़ाम्पल मिलती है कि लोग गरीबी से इतना जूझ रहे हैं कि अगर वो एक दिन खेतों में जाके काम नहीं करेंगे मिस क्यों करेंगी महिलाएं कि सपोज़ किसी के पीरियड्स आ गए दो दिन तीन दिन वो काम करने नहीं जा पाई तो उनके पैसे कटते हैं तो वो एक दिन भी काम को नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि वो कहती हैं कि वो खाएंगे क्या अपनी फ़ैमिली को क्या खिलाएंगी इसलिए वो हिस्ट्रिक्टी कराती हैं ताकि उनके पीरियड्स ना आए और वो काम कॉन्टीन्यूसली कर सकें सो दिस इज़ वन रीज़न यहाँ पे दो तीन रीज़न मैं आपको एनालाइज़ करके बताऊँगी कि उनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है और शायद सबके सब रीजनस सब भी हैं कैसे ये चीज़ कभी ठीक होगी सो दिस इज़ अ सोशल टॉपिक अब ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है वेस्टर्न स्टेट महाराष्ट्र की बात यहाँ पे कर रहे हैं 46 अब नंबर आंकड़े देखिए 4600 महिलाएं बीड़ डिस्ट्रिक्ट से जिन्होंने सर्जरी कराई है अपनी वूम अपना यूट्रस रिमूव करवाने के लिए लास्ट तीन सालों का ये नंबर हमारे सामने आता है महाराष्ट्र में बीड़ कुछ यहाँ पे पड़ता है अगर आप महाराष्ट्र के मैप में देखेंगे इसके लिए इंक्वायरी कमेटी भी बिठाएगी क्योंकि इंक्वायरी कमेटी की बात देखिए यहाँ पे क्या है बेसिकली बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट इस टॉपिक को लेके सोशल वर्कर्स ने काफ़ी आवाज़ उठाई काफ़ी देर तक तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था लेकिन फिर ध्यान दिया गया सात मेंबर कमेटी अंडर डिप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल डॉक्टर नीलम गोरे उन्होंने सजेस्ट किया कि कुछ मेजर्स हैं कि इस सोशल डिस्ट्रेस को हम ठीक कर सकते हैं इन 140 पेज रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन है अराउंड 82,309 महिलाओं के जो बीड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ले गई अब 82,000 अराउंड महिलाएं हैं उनमें से 13,862 महिलाएं हैं जिनमें सर्वे किया गया और पता चला कि लास्ट दस सालों में उन्होंने अपना यूट्रेस जो है अपना वूम जो है वो रिमूव कराया तो ऑबियसली जो महिलाएँ वूम रिमूव करवा रही हैं वो आगे बच्चा बेयर नहीं कर सकती बच्चा पैदा नहीं कर सकती अब इनमें से एज ग्रुप भी अगर आप देखेंगे तो काफी यंग एज ग्रुप है 35 फाइव टू फोर्टी दिस इज अ चाइल्ड बियरिंग एज 40 तक आपका या 50 तक मेनो आता है और इनफैक्ट कुछ इस तरह की सेक्शन की महिलाएं भी थी जो 20 साल की थी 25 साल से नीचे भी थी तो वो भी हिस्ट्रिक्टी उन्होंने करवाई थी तो काफी पर्सनल इंटरव्यूज़ इनके लिए गए ग्रुप डिस्कशंस हुई कैमरा में टेस्टमिनिज दी गई तो यहाँ पे बहुत सी महिलाओं ने यह भी कहा कि उनको पेट में दर्द हो रही थी जब वो डॉक्टर के पास गई तो उनको पता चला कि उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है उनके यूट्रस में फेबरॉयड्स हैं उन फेबरॉइड से उनका यूट्रस इतना ख़राब हो चुका है कि उस वो कैंसर भी बन सकता है आगे जाके सो इट इज़ बेटर कि आप यूट्रस रिमूव करा लो तो इस तरह की खबरें भी सामने आई सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न फर्स्ट रीज़न मैंने आपको बताया कि शायद वो पीरियड्स की वजह से अपना काम मिस नहीं करना चाहती दूसरा रीज़न फेबरॉयड्स अब फेबरॉयड्स पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली उसी एरिया की महिलाओं को क्यों हो रहा है इस पे भी कुछ बाहर की एजेंसी थी फ्रेंच एजेंसी थी जिन्होंने काम करके देखा तो उन्होंने महिलाओं के हेयर बालों का सेक्शन वो लेके गए चेक करने के लिए कि उनमें क्या मिलता है तो उनको पता चला उसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिनस थे टॉक्सिसिटी बहुत मिली मेटल्स बहुत मिले जो ह्यूमंस के लिए सही नहीं होते तो कहीं ना कहीं जब एक्सपर्ट से बात की तो पता चला कि वो भी एक रीज़न हो सकते हैं फिब्रॉयड्स होने का यूट्रिस में तो डेफ़िनेटली जब फेब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा यूट्रिस को नुकसान पहुँचा रहे हैं तो यूट्रिस कई बार रिमूव भी करना पड़ता है है और ये शुगर कटिंग एरियाज़ में ही हो रहा है, अब ये जो महिलाएं है शुगर कि आप हमको एग्रीकल्चरल लेबर्स ला के दो तो ये इन लोगों को गांव से यहाँ पे शुगर के इनके खेतों में ले जाते हैं कुछ महीनों के लिए काम कराने के लिए कटिंग कराने के लिए और यहाँ पे इनडेप कंट्रैक्टर्स को ये लोग नौकरी लगने के अपने काम लगने के पाँच परसेंट अपने पैसे में से भी देते हैं तो उनके डेट में भी ये लोग रहते हैं अब हर साल बहुत सारे गरीब लोग जो हैं भीड़ से या नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न एरियाज़ जो हैं स्टेट के जिनको शुगर बेल्ट कहा जाता है महाराष्ट्र में वहाँ जाते हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में अब महिलाओं की कंडीशन यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर इनको एक से एक लाख रुपये पर साल पर ईयर याद रखिए इनको प्रॉमिस किया जाता है आपको दिया जाएगा और 12 घंटे इनसे काम लिया जाता है कई बार तो कहते हैं कि सुबह तीन बजे भी काम शुरू हो जाता है और शाम के छः बजे तक चलता है या कई बार छः बजे शुरू होता है और शाम के छः बजे तक चलता है तो महिलाएं यहाँ पे जो है इनका ना ही कोई सैनिक कोई घर बार तो है नहीं वहाँ पे कि पक्के मकान इनको मिल रहे हैं तो झुग्गी झोंपड़ी में ये लोग रहते हैं वहाँ पे कोई सैनिटेशन का बंदोबस्त नहीं है पीरियड्स के लिए जो ये पेपर पेपर क्या पैड्स तो क्या ही कोई यूज़ करेगा कपड़ा यूज़ कर रही हैं कोई उसके लिए हाइजीन नहीं है तो इनको यूट्रस में यूर, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत सी महिलाएं हिस्टक्टमी सर्जरी कराती हैं जो 25 से तीस हज़ार का खर्चा इनका आता है अब नीड क्या है इन सर्जरी की डेफिनेटली एक रीज़न जो मैंने दिया कि कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहते कि मैनिस्ट्रेट करें आ, अपना काम मिस करें उनका भी काम रुकेगा तो महिलाओं को वहाँ पर इस तरह से कन्विंस किया जाता है कि आपको प्रॉब्लम हो गई है आप इनको आ, आप हिस्टक्टमी करवा लीजिए और जो महिलाएं एक दिन भी मिस करती हैं जैसे पति पत्नी दोनों एक जगह पर काम कर रहे हैं तो उनमें से एक नहीं आता तो पाँच सौ काटे जाते हैं उनके टोटल वेजेस से भी तो भी उनको लगता है कि हम फैमिली को क्या खिलाएँगे तो ये कुछ रीजंस हैं कि इनको सर्जरी के लिए जाना पड़ता है और दूसरा रीज़न जो मैंने फेब्रॉइड्स वाला बताया उसको भी आप ध्यान में रखिए अब एक्टिविस्ट और स्टडीज जो सर्वे यहाँ पे हुए इसके पीछे आपको एक पूरा सोशियो इकोनॉमिक रीज़न ही नज़र आएगा और ये क्लेम करते हैं कि वुमेन वूमलेस हो रही हैं अपनी मर्जी से दो रीज़न्स जैसे मैंने आपको बताया पहले तो हो सकता है यहाँ पे डॉक्टर्स पे भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि वो भी इनको एक्सप्लॉइड करते हैं सर्जरी में क्योंकि पैसा अच्छा खासा मिल रहा है आपको एक सर्जरी का पच्चीस तीस हज़ार उससे ज़्यादा भी मिल रहा है एक्सपेंसिव है सर्जरी दूसरा कि मेनिस्ट्रेशन uh, की वजह से उनका काम रुकता है तो वो भी काम छोड़ के चल पड़ती हैं तो ये मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं तो दो सबसे ज़्यादा और जैसे हैं सैनिटेशन uh, और हाइजीन की भी मैंने आपको बात की इतने लंबे समय इनको आ, काम करना पड़ता है चेंजिंग मैंटेलिटी अब महिलाओं को ये भी कहा जाता है कि सपोज़ आपके बच्चे हो गए हैं अगर तो आपको यूट्रस की ज़रूरत नहीं है तो उनको इस तरीके से भी यहाँ पे कन्विंस किया जाता है कि तुम्हारे तो बच्चे हो गए तुमको यूट्रस का अब क्या ज़रूरत है इसको निकाल दो तो महिलाएं तो भी रेडी हो जाती हैं कि चलो हम पैसे तो कमाएंगे तो फिर देन देर आर सम समिकल क्लिनिक्स जहाँ पर अपना बिज़नेस लोग बढ़ाना चाहते हैं उनको ये बोलते हैं कि कैंसर में हो जाएगा तो भी स्ट्रिक्ट उनकी कर देते हैं तो इनको ब्रेन वॉश किया जाता है इस तरीके से ये चीज़ें भी रिसर्च में आ, अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो रिसर्च करते हैं तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो निकल के सामने आए पीरियड्स को भी एक टैबू माना जाता है बहुत से गांव में कि पीरियड्स फीमेल प्रॉब्लम्स जो हैं मेनस्ट्रेशन जो है ये एक प्रॉब्लम है तो किसी के बच्चे हो गए तो वो भी अपना रिमूव करवा देती हैं टैबू भी है कि किचन में नहीं जा सकती टेम्पल्स uh, में नहीं जा सकती किसी को टच नहीं कर सकती अब देखिए ये जो यूट्रस रिमूवल का ये दिस इज़ द यूट्रस ऑफ ह्यूमन फीमेल तीन तरह का ये ऑपरेशन तीन तरीके से हो सकता है डिपेंड करता है कि पार्शियल हिस्ट्रिक्ट हो रही है जिसमें सिर्फ आपका अपर पोर्शन जो है यूट्रिस का वो रिमूव किया जाता है राइट right? और सर्विक्स को इंटैक्ट रखा जाता है जो सर्विक्स है महिला का दूसरा टोटल इंटायर यूट्रेस को ही निकाल दिया जाता है पूरे यूट्रेस को देखिए इस तरह से फिब्रॉइड्स बन जाते हैं कई बार यूट्रस में जब ये ऑपरेशन आपको करना पड़ता है कैंसरस भी हो सकते हैं और रेडिकल में सर्विक्स प्लस फैलोपियन ट्यूब्स को भी निकाला जाता है और और ओवरीज को भी रिमूव किया जाता है तो इस तरीके से तीन तरह से ये रिमूवल किया जाता है अब महिलाओं पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पहली बात तो जब उनको हिस्ट्रिक्ट में करने के लिए कहा जाता है उनको नहीं बताया जाता कि इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी बाद में क्योंकि डेफ़िनेटली महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होती है यूट्रस रिमूव करने के बाद हार्मोनल इम्बेलेंसेज हो जाते हैं हॉट फ्लाशेज आते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं वेट गेन हो जाता है राइट right? तो ये सब उनको नहीं बताया जाता अब उन्हीं महिलाओं के वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ना तो वो बताते हैं कि उनको कितना ज्यादा प्रॉब्लम बैक जॉइंट पेन अनबियरेबल पेन जो है वो होता है और विद एज ये पेन इंक्रीज भी होने लग जाता है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो हैं यूट्रस रिमूवल के होते हैं जब तक कि बहुत जरूरी ना हो तब तक नहीं करवाना चाहिए अब जो शुगर केन वर्कर्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट से कैसे डील करती हैं उनको क्योंकि साइकोसोमैटिक डिस्ट्रेस हो रहा है अब स्लीपिंग नींद नहीं आ रही अलग अलग से थॉट्स आ रहे हैं तो उनके लिए भी इसको डील करना जो है वो मुश्किल हो जाता है पेन रिलीफ या कोई पेन रिलीफ की दवाइयाँ खा लेंगी या कोई ऑइंटमेंट लगा लेंगी मोमेंट्री रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन लंबे समय तक ये चीज़ उनकी ख़राब ही हो जाती है सो दिस इज़ द मेन सोशल टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजंस अगर आप देखेंगे एक कि मेनिस्ट्रेशन को टैबू माना जाता है सैनिटेशन नहीं है तो हो सकता है और शुगर केन की फील्ड्स में जिस तरह से पेस्टिसाइड्स और ये सब हम थ्रो करते हैं वो वाटर टेबल तक जा रहे हैं क्योंकि महिलाओं के बालों के सैंपल से मिल रहे हैं तो फिब्रॉइड्स हो भी रहे हों फिब्रॉइड्स होने की वजह से उनकी हेल्थ लेकिन उसमें यूट्रस रिमूवल इज़ नॉट द ऑप्शन एक बार तो ऑप्शन एज ए नॉट द परमानेंट सोल्यूशन एक बार तो आपने यूट्रस रिमूव कर दिया लेकिन वो टॉक्सिन्स जो हैं वो अभी भी उनकी बॉडी में जा रहे हैं जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उस पर काम करना ज़रूरी है और दूसरा यही हो गया कि वो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉवर्टी आप देखते हैं कि एक्सप्लाइटेशन बाई मेडिकल हॉस्पिटल्स एंड जो उन लोगों से शुगर केन के फील्ड्स में जो लोग काम करा रहे हैं कि महिलाएं काम मिस ना करें इनको छुट्टी ना लेनी पड़े और उनकी भी मजबूरी है और लोग यहाँ पे जाके इस तरह का डिसीजन जो महिलाएं हैं वो लेते हैं बट वो डॉक्टर्स अगर गलत लेवल पे किसी को कैंसर के नाम पे डराया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है सो दिस इज़ इट यही इशू यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहती थी ना द क्वेश्चन फॉर यू इज़ दॉर्मोन दैट इज रिलीज फ्राम द टेस्ट प्रोजेस्टरॉन वेस्सोप्रेसन टेस्टोस्टरॉन मैन ऑफ द बग आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में कॉल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं थैंक यू सो मच एंड फॉर द वेबसाइट यू कैन विजिट आर वेबसाइट और डाउनलोड द एप्लीकेशन